डू टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हो यार ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो वो शायद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप एक घर में हो, घर में ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू है। देखो यार एक चीज मैं बता रहा, ज्यादातर लोग यार बहुत सी वीडियोस देख चुके होंगे इस बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। बट हम टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा अलग चीज में कर रहे हैं, क्योंकि यार मेरे से भी नहीं बनता था टाइम मैनेजमेंट। मैंने खुद अपने, जब मैं यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया था तब से मैं देख रहा है कैसे हम एक टाइम टेबल बनाए, वो सब चीजें। और ये वीडियो बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं है, कोई भी वीडियो मेरी क्लिक बेट नहीं होती। बट एक चीज मैं बोल रहा, जैसे कि मैंने थंबनेल में थोड़ा सा लिखा था टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो मत करो, बिकॉज बता रहे हैं टाइम टेबल का क्या इशू पड़ता है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू सब लोगों को है, ज्यादातर स्टूडेंट है, क्योंकि आपकी जो भी आपने एक बनाया रहता है वो पूरे तरीके से टूट जाती है। देखो मैक्सिमम लोगों को यार ऐसा हमेशा लगता है कि यार मेरे पास काश 24 में से 26 या 27 घंटे होते, अगर वेले बैठे यार तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, ये पक्की बात बता रहा। बट यार जो स्किल्स और अलग अलग चीजों में वर्क कर रहे तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो बेसिकली मैं कौन होता हूँ यार, देखो मेरी कई चीजें चल रही है साथ में, जैसे कि मेरा यार कॉलेज स्टडी भी चल रही है साथ में, ठीक है, आप एक परस्यूड कर रहा हूँ डिग्री। नेक्स्ट यार यूट्यूब में भी मेरा कंटेंट चल रहा है जिसमें करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी, मतलब कंटेंट वगैरह मैं लिखता भी हूँ, कोरा वगैरह में अगर जाके फॉलो करना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक काउंसलर भी हूँ जो कि इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू लोगों को गाइड करता हूँ। अब चार चीजें तो ऐसी बता दी, और एक लर्नर भी हूँ, क्योंकि सब चीजों को या चार से पांच चीजों को मेंटेन कैसे करते हैं उस बारे में मैं बताऊंगा। बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो ये पॉइंट को कि आपको ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मेरे को फॉलो ही नहीं करना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी टिप्स को गौर करो बस। बट ऐसा नहीं कि मैं जैसा शेड्यूल बना के रखा हूँ वैसा नहीं करना है। नंबर वन चीज है टाइम टेबल कभी मत बनाओ, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ यार। अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो या फिर गलत भी हो सकता है। बट यार स्कूल जिनका टाइम टेबल बना रहता है उनकी मैं दो चीजें बता दें, वन ऑफ द बेस्ट चीज है वो एक एस्पिरेंट होते हैं या फिर वो एक होते हैं यार जो हमारे JEE एस्पिरेंट, मतलब सीधा बोलूं तो उनके एक अलग रह के पढ़ाई करते हैं, जिनका एक शेड्यूल फिक्स है, ना उनको दुनियादारी से मतलब ना कुछ। बट यार आप एक घर में रह रहे हो या फिर आप कॉलेज क्वार्टर रह रहे हो तो भाई आपको यार कुछ काम ऐसे होंगे जो कि आपको करना ही पड़ेगा, कल असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आप उस शेड्यूल को फिक्स नहीं कर सकते कि भाई मैं कल कर लूँ या परसों कर लूँ या टाइम मिलेगा तब कर लूँ, असाइनमेंट या नंबर कट जाएंगे इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इस केसेस में यार टाइम टेबल, क्योंकि आप एक पर्टिकुलरली आपने जो देखा नहीं, आपने फ्यूचर का बना के रखा कि भाई मैं 6 बजे उठूंगा, हो सकता है 2 बजे आप सो रहे हो, फिर 6 बजे कैसे उठ जाओ यार, 4 घंटे की नींद तो बहुत कम हो जाएगी ना, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो टाइम टेबल यार फॉलो मत करना, क्योंकि टाइम टेबल जो है ना अगर आप बनाते हो तो हर बार आपने भाई ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत हुई होगी, तभी तुम आके यहाँ एक बार और देखने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो टाइम टेबल यार मोस्ट कॉमनली आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके कुछ इवेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि रैंडमली आ जाते हो और एज वेल एज वो इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है टाइम लॉकिंग चेन, यार इस बारे में बहुत कम लोग बता के रखते हैं। टाइम लॉकिंग क्या होती है, टाइम लॉकिंग एक ऐसी चीज है यार, एक पर्टिकुलरली डे के एक काम रहता है, मैं नहीं बोल रहा कि यार दीवार में चिपका लो ये सब चीजें मत करना, बट बेसिकली यार कुछ एक इवेंट रहते हैं जो कि आपके लिए काम रहते हैं, कि जैसे आज मैं किसी जगह जाना है तो वो जाना ही है, क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना है, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरे को आज स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है तो करना ही है, वैसे खेल होता है ना। तो यहाँ पर यार आपका रहता है कि आपको टाइम लॉकिंग करना है। टाइम लॉकिंग और टाइम टेबल में क्या अंतर रहता है कि आपके 3 से 4 का जो शेड्यूल है आपने बना लिया, 3 से 4 बजे तक मैं खेलूंगा या कूदूंगा, तो उसमें यार टाइम लॉकिंग में ऐसा कुछ नहीं रहता। टाइम लॉकिंग क्या है, 3 से 4 आपका एक शेड्यूल था कि भाई मेरे को खेलना है, बट यार मेरा मन नहीं तो मैंने उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर लिया, मैंने घर के काम कर लिया, कुछ भी कर लिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बेस पे चलते हैं टाइम लॉकिंग, मतलब एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा जब तुम एक एक चीज को टिक करते जाओगे ना, वो चीज है। अब बेसिकली यार एक मैं पर्सनल अपना बताता हूँ, तो मेरे यार मैंने कई चीजें देखा, मैं खुद कंफ्यूज था। और एक चीज बता रहा है, अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि यार कि मैंने, मतलब ऐसा लगता होगा कि भाई मैंने काम तो करा पर मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैंने उतना फुलफिलमेंट नहीं करा, तो भाई बिल्कुल तुम राइट पाथ पे चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि यार एक लाइन थी कि जिसमें बोला जाता था कि लेजी पीपल जो रहते हैं, ठीक है, आलसी पीपल जो रहते हैं वो हमेशा ये थोड़ा सा वर्क करने के बाद बोलते हैं यार मैं थक गया या फिर मैंने बहुत कर लिया। बट यार जो इस अपने ड्रीम या फिर अपने गोल की तरफ जाते हैं ना, जो मेहनत करने वाले रहते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क और मेहनत करने वाले, तो वो बेसिकली यही सोचते हैं, उन्होंने वर्कआउट को बहुत ज्यादा दे देते हैं, पर तब भी वो सोचते हैं भाई मैं हमेशा लेजी ही रहूंगा क्या, मतलब उनकी ऐसी थिंकिंग है। क्योंकि बेसिकली मैंने कई लोगों से जो मेरे साथ वाले भी स्टार्टअप कर चुके हैं, मेरे सीनियर वगैरह, उनकी भी यही बात है, उनका आउटपुट जो रहता है 16 घंटे तक वर्क करने को तैयार रहते हैं उस चीज में, ठीक है, क्योंकि एक इंटरेस्ट अलग चीज है उनके लिए, उन्होंने अचीव करके रखा है। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी हैं जो शांति से बैठे थोड़ा सा वर्क करते तो उसमें भी थक जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यार मैंने कई चीजों करता हूँ, और एक चीज मैं कर रहा है, ये जो चीज है ना वो आप आज का वीडियो देख लो, चाहे मेरा 2 महीने पुराना देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, ठीक है, आपको एक बार और फिर लगेगा यार मेरा फिर से शेड्यूल
बदल रहा है, ठीक है, 21 दिन तक आपने उसको निचोड़ मारा या फिर जो भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको लगे ओके भाई मेरा कुछ इवेंट जैसे रक्षाबंधन आ गया है ना, तो उसमें यार 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ गई तो उसमें फिर से वो हो गया, फिर उसके बाद यार थोड़ा बिल्डअप करने में दिक्कत रहेगी। तो यार टाइम मैनेजमेंट जो बोलता है ना कि हमने पूरी तरीके से कर लिया यार, तो भाई एक टाइम में कहीं ना कहीं हर हफ्ते या महीने में एक बार ऐसा होगा कि भाई उससे खुद नहीं होगा वो मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा भी हो सकता है कि भाई मेरा खुद का ऑन द स्पॉट नहीं अच्छा चल रहा होगा सिक्वेंस वगैरह, ठीक है। अब बेसिकली मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा मैंने यार 24 घंटे तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइमिंग से बनाया था कि भाई मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं रखा कि भाई मेरे को इतने बजे से इतने, तो मैं यार रात के 12 बजे से शुरू करता हूँ, तो रात के 12 बजे से 6 तक मेरे एक काम रहता है, मतलब स्लीप और जो दंद फंद काम है, जो अनप्रोडक्टिव काम है, उन सबको मैं अभी उसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काम है कि मेरा जितना भी पीपीटी या फिर जितना भी वीडियो क्रिएशन या वीडियो एडिटिंग का काम है वो मेरा 12 से 6 बजे तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अभी मेरे को ज्यादा स्कोप देख रहा है इसमें, ठीक है। 12 से 6 मतलब ऐसा यार 1-2 घंटे काम करते सुबह, क्योंकि मतलब 2 बजे तक ज्यादा से ज्यादा काम करता हूँ, उसके बाद मैं सो ही जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यार जो 6 से 12 बजे तक, मतलब आपका 6 AM से लेकर 12 AM तक आप जब जाते हैं क्लॉक में, तो यहाँ पर मेरा एक है कि अपनी जो भी एनहेंस करूंगा मैं स्किल जो भी हो सकता है, ठीक है, या वो पाइथन हो सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर लर्निंग हो सकता है या फिर मैटलैब हो सकती है, ठीक है। पर्टिकुलरली ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है आप थक गए तो वो जो 12 से 2 वाला जो टाइमिंग है उसको क्या हो सकता है कि मैं उसको स्किप कर लूं, अगर मेरे को टाइम नहीं मिला पूरे दिन में तो वो स्किप ही रहेगा, मैं दूसरी बार उसको मतलब किसी और काम में उसको मैं काट के नहीं रखने वाला, ठीक है। ये चीज पक्की बात हो जाती है कि अगर मेरा यार जो मेरे को वीडियो पीपीटीज वगैरह बनानी, अगर मेरा वो छूट गया बाय चांस, तो मैं अपने जो लर्निंग वाला जो टाइमिंग है उसमें मैं उसको एडजस्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। अगर हाँ मैंने उतना अचीव कर लिया उसमें कि हाँ यार ठीक है आज के दिन बहुत हो गया, तब मैं देख सकता हूँ कि ठीक है भाई हो जाएगा। तो बेसिकली यार ऐसी चीजें चलेंगी। अब यार 12 से जो अपना एक और 6 PM रहता है, तो इसमें 2 काम होते हैं, या फिर मैं अपनी कॉलेज या स्टडीज कर सकता हूँ जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता भी, और या फिर मेरा फिर से यार जो वीडियो क्रिएशन वगैरह का काम है, वीडियो क्रिएशन बोल रहा हूँ, वीडियो क्रिएशन मतलब जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसी चीज, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली बोला जाए तो 6 घंटे तक वीडियो एडिटिंग वगैरह में लग जाते हैं इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिएटर हो तो लगते हैं। उसके बाद यार ये 12 से जो 6 क्योंकि आपकी धूप वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है इस जगह पे, और मेरे पास इतना लाइटनिंग अभी है नहीं कि मैं रात को शूट करने का अवॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरी जस्ट मोनेटाइज हुआ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पर 12 से 6 हो गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड करते हैं यार कि हम जो 6 से मतलब जो शाम के 6 बजे से लेकर 12 PM तक 2-3 चीजें होती है, या फिर आप मेरे मतलब जो बीच का रहता है ना 6, 5, 15 ऐसा कुछ, तो उसमें यार मेरा कुछ गेम्स वगैरह चलता है, ठीक है, पर्टिकुलरली बता रहे हैं मैं पबजी खेलता हूँ अभी भी, ठीक है, बट मेरा बहुत ही रेगुलर मतलब एक गेम रहता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी पता नहीं, वो मैं सोलो खेलता हूँ, मतलब आप सोच सकते इतना प्रो प्लेयर तो हूँ नहीं कि मैं आराम से वैसा खेलूँ, ठीक है, मेरे को देख के मत खेलने लगना यार, तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं तो मत करो, वो सिर्फ एक माइंड फ्रेश करने के लिए, वो बोलोगे यार कुछ बोलेंगे कि यार माइंड फ्रेश किसका होता है पबजी से, भाई मेरा होता, तुम लोग में नहीं रहता, तुम लोग शक्ति नहीं मेंटेन कर पाते, तो मेरी गलती नहीं है इसमें, ओके। तो यार ऐसे ही चलेगा कि 6 बजे से लेके हमारा जो 12 बजे रात तक रहता है उसमें यार मेरा पढ़ाई कर चलेगा, थोड़ा सा असाइनमेंट या फिर जोतता भी हो सकता है ज्यादातर यार, क्योंकि ये डिनर टाइम रहता है तो ज्यादा से ज्यादा वो जो 6 घंटे उनमें से तो 2 ही घंटे हम ले पाते हैं, ठीक है, जो कि रात का टाइम रहता है। तो बेसिकली ऐसी चीजें चलती है क्योंकि आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है। मैंने यार बेसिकली 24 घंटे को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6, 6, 6, 6। अब इसमें से ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यार पूरे 6 घंटे उसमें काम करता हूँ, ठीक है, बट पर्टिकुलरली ये जो 6 घंटे डिनोट किया जाता है मेनली वर्क हमारा किसके लिए, हमारे पढ़ाई के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए अपनी लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर हमें वीडियो क्रिएशन के लिए, ठीक है, इस तरह से जिंदगी चलने वाली है हमारी। अब देखते हैं यार चेंज हो जाएगा, ये पर्टिकुलरली हर बार चेंज होगा, मैं भी जानता हूँ अच्छे से, तो जरूरी नहीं है टाइम मैनेजमेंट यही चीजें रहती है, आपको बस मैनेज करना है 24 में से 26 घंटे कैसे निकाल लेते, ठीक है, वर्कआउट पर आज हमेशा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपने सोचा यार 6 काम करने हैं, ठीक है, तो जितना भी अपने थोड़ा हाथ से बाहर वाले काम रखो थोड़ा ज्यादा रखो, बट इतना रखना कि डीमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है। 100 मीटर की आपकी दौड़ने की क्षमता है तो आप 200 मीटर का टारगेट रख सकते हो, बट सीधे 3000 में मत कूद जाना, नहीं तो फिर भाई डीमोटिवेशन में आपको एक डेढ़ हफ्ता भी लग सकता है उसको रिकवर करने में, ठीक है, फिर आप सर्च करोगे टाइम मैनेजमेंट फॉर दिस,
ठीक है, पर्टिकुलरली यार कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते, घर वाले आ जाते हैं या फिर आपका कुछ भी, भाई सब चीजों को आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अलग से दुनिया से कट के अलग हो जाओगे तो वो हमेशा दुनिया से कट के ही हो जाएगा। जितने भी कोटा वाले यार, आप लोग जानते हो ये फील कैसी रहती है, जो कि आज भी आपके पेरेंट्स वगैरह जानते हैं कि भाई ये लड़का मेरे से बात ही नहीं करता। जब आप कॉलेज वगैरह में गए होंगे तो आपकी एक आदत बन गई थी यार कि मैं कॉलेज मतलब बात ही नहीं करते। ये बड़ी दिक्कत है कोटा वालों की, ये दिक्कत रहती कि उन लोग कभी अपने पेरेंट्स से ज्यादातर बात ही नहीं करते कॉल्स वगैरह में। ठीक है, बाहर रहे तो ठीक है, बट पर्टिकुलर एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ते में कम से कम कर लेना चाहिए ऐसी बात। ठीक है, फालतू का ज्ञान हो गया इसमें। तो यार ये जो चीज है ना, थोड़ा गौर करने की जरूरत है। मैं कोई नहीं हूं आपको टाइम मैनेजमेंट बताने वाला, बस एक एक्सपीरियंस है उसके थ्रू पे आपने बताया कि भाई हमेशा आप सर कहीं ना कहीं आपको मतलब डेढ़ हफ्ता तक या फिर डेढ़ महीना आप वर्क कर पाओगे, उसके बाद कुछ ना कुछ इवेंट होगा जिसमें आपका फिर से वो टाइमिंग चेंज टूटेगी, फिर आप ढूंढोगे क्या करें क्या करें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हर इंसान के साथ होता है, आप एक एक्सेप्शनल केस नहीं होगी, ये चीज आप ही के साथ हो रही है। ठीक है, तो यार ये चीज मैं शायद तक मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, सबने एक पर्टिकुलर स्किल बताया, बट रियलिटी यही है यार कि आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, मेरे से दोस्तों भी पूछते, मैं बोला यार मेरे से ऑन द स्पॉट या कभी कभी मेरा शेड्यूल जो है वो काफी अच्छा चलता रहता है, बट कभी कभी नहीं चलता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अरे यार सब्सक्राइब अभी अलग करो। ओके यार, सब्सक्राइब का बीच में आ गया था धोकर के से, तो बट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, वीडियो को देखना बस नहीं, आपको सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम सीधे काम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ 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 ये चीज पर गौर कर लेना कि आप एक्सेप्शनल केस नहीं हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत पड़े। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको हर जगह पर कोई ना कोई को पड़ती रहती है। ठीक है, छुट्टी के दिन आप 7 बजे उठते हो, अगर नॉर्मल डेज रहते हैं मतलब जब आपके वर्किंग डेज रहते हैं आप 5 से 6 बजे तक उठते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली यार छुट्टियां हो जाती है, फिर जो पटरी लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यार ये कभी ना कभी आपको दिक्कत होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ज्यादा मन से मतलब आके रखो, टाइम वेस्ट को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट मतलब हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक भी जरूरी है, टाइम वेस्ट मत समझना उसको। तो इसी के साथ यार रैप करते हैं इस वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर आपको चाहिए। अगर कमेंट्स में कुछ चीजें इस टाइप में चाहिए, यार मैं बहुत कम लाता हूँ इस टाइप का वीडियो, पर चाहिए तो बता देना। ठीक है, और भाइयों और बहनों आपको ये जो चीज है ना वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि यार यूट्यूब में ये सब चीज बता देते हैं, टिप्स वगैरह उनकी भी बात गलत नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छी टिप्स देते हैं, मैंने खुद देखी है, बट यार ये चीज जो है ना वो हर कोई के साथ होती है, कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ होती है। और ये मैं बता रहा, जो मैंने साइकिल बताई ना बिल्कुल फॉलो मत करना, मैं बता देना कि 12 से 6 वाला जो गेम बताया था ना पहले वीडियो में, मतलब कुछ पार्ट पहले, तो उसको बिल्कुल फॉलो मत करना। ये आपके अकॉर्डिंग है कैसे आप वर्क करते हो, क्या पता आपकी ट्यूशन क्लासेस भी दिक्कत दे रही हो या फिर आपकी गेट प्रिपरेशन दिक्कत दे रही हो, तो समझ जाओ इस बारे में। ठीक है, टाइम टेबल है बिल्कुल अभी अपने लिए नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट बिल्कुल नहीं अपने लिए। अगर आप गेट एस्पिरेंट हो यार बिल्कुल आपके लिए है, बट अगर कॉलेज के साथ साथ गेट कर रहे हो तब भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये पहले ही बता दे रहा, आपका कुछ ना कुछ काम पड़ेगा जिसमें आप देखो, घर में हो तो बिल्कुल आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। ये 90% लोगों के ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ यार, पर अगर आप फॉलो कर लेते तो आपके यार घर वाले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब घर वाले बोलते होंगे यार ये बंदा ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है। ठीक है, घर वाले नहीं समझ पाएंगे, आप हमेशा पढ़ते रहो या फिर आपके पास यही दिक्कत रहती है कि आप जब भी फोन चलाओगे तभी वो आएंगे, भले आप 2 घंटे उसमें पूरा मतलब आउटपुट दे चुके उस चीज में। तो इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर के साथ कर देना, और नीचे कमेंट पढ़ने जा रहे हो तो बहुत गलत चीज है, कमेंट करने जा रहे हो लाल सा बटन देख रहा है, ठीक है लाल सा बटन सब्सक्राइब का देख रहा है तो भाई बहुत गलत चीज कर रहे हो, उस पर पीला करते हैं, हरा करते हैं, सफेद करते हैं, सब्सक्राइब पे देख देना चाहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कितने आ रहे हैं। ठीक है, अभी करंटली हमने 1K चूज किया है, मतलब क्रॉस किया है, थोड़ा और बढ़ा। ठीक है, और पर्टिकुलरली हर वीडियो की लिंक जो है प्रो कॉलेज रिव्यू की देख सकते हो। ठीक है, अगर 12th वाले तो जस्ट चेकआउट या पूरी चीजें, और अगर एमटेक का मूड बना रहे हो तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहले से तैयारी जीत की करनी है परसों, और काफी बड़ा वीडियो बना दिया, बट ठीक है काम की बातें थी। नेक्स्ट, अगर यार थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, वेबसाइट वीडियो पे क्लिक करो, और इफिशियंसी बढ़ानी है स्लीप को कम करके, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो बट अपने एड्रेस में। ठीक है, और अगर दोनों ही वीडियो देख चुके हो तो यार अगर भोला से लोगो जो चैनल लोगो पे क्लिक करोगे वो सफेद है, मतलब सब्सक्राइब लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर नहीं लिखा तो सब्सक्राइब करके भेज जाना। चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के हैव अ नाइस डे।